आज हम गुड़ का मीठा नींबू का अचार बनाने वाले हैं। ये नींबू में विटामिन सी होता है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है खाना। देखिए मेरा नींबू का अचार कितना जूसी, कितना यम्मी, इसको देखते कि खाने को मन कर रहा है। देखिए हाथ से दबाने में भी इससे कितना अच्छा जूस निकल रहा है, इसका छिलका कितना अच्छे से पक चुका है। फटाफट से बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 15 नींबू ले लिया है। नींबू को अच्छे से पोंछ करके सुखा करके रख दिया था मैंने पहले ही। ये 3 नींबू हटा लेंगे। तो देखिए नींबू का छिलका भी थोड़ा पतला होना चाहिए, रसीला होना चाहिए नींबू हमारा। तो हम इसे कट कर लेंगे 2 पीस में। एक नींबू का 2-2 पीस कर लेंगे पहले, उसके अंदर उसके बीज निकाल लेंगे। नींबू को अच्छे से पोंछ लेना चाहिए, उसका जार को, जो हम नींबू को रखते हैं उसका जार को भी अच्छे से पोंछ लेना चाहिए। पानी इतना भी नहीं रहना चाहिए। तो हमारा नींबू कम से कम 1 साल रहता है नींबू। तो इसे फिर बीज से कट कर लेंगे इस तरीके से। एक नींबू के 4 पीस कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, पूरा बीज निकाल लेंगे इसके, इस तरीके से कट कर लेने के बाद में। तो देखिए मैंने इस तरीके से बीज निकाल लिया है इसका, सारे नींबू का इस तरीके से बीज निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक जार में अच्छे से, बॉटल में, कांच का रहो चाहे प्लास्टिक का रहो, अच्छे से पोंछ लेके कर लेके उसमें धूप में सुखा करके, इसमें पानी इतना भी नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से भर लेंगे हम। तो देखिए मैंने जार को अच्छे से पोंछ के धूप में सुखा के अच्छे से पहले रख लिया था। इस तरीके से नींबूओं को भर लेंगे। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि नींबूओं को भी अच्छा पोंछना चाहिए, जार को भी अच्छा पोंछना चाहिए, हमारा अचार बहुत साल टिक सके। अब हम पहले ही कट करके रख लिया था मैंने 3 नींबू को। इसका जूस इस तरीके से इसमें निचोड़ लेंगे। नमक डाल देंगे 2 स्पून। नमक डालने से हमारा नींबू सॉफ्ट हो जाता। तो इसे क्या करेंगे, हम अच्छे से ढक करके 15-20 दिन तक अच्छे से रख देंगे। 2-3 दिन में एक बार चलाते रहेंगे नींबूओं को, ताकि हमारा नींबू सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से पक जाए। तो देखिए मैंने 15 दिन पूरा नींबू को इस तरीके से रखा, पूरे नींबू का छिलटे अच्छे से गल चुके हैं। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट हो चुका है इसका छिलका, ये दबाने पे भी पता चल रहा है इसका छिलटा कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो देखिए हमारा नींबू अचार बनाने के बिल्कुल रेडी है। तो हम गुड़ ले लेंगे 1/2 किलो। एक कढ़ाई रख देंगे स्टोव में, गुड़ को डाल देंगे कढ़ाई में। 1 कप पानी डाल देंगे और गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। इस तरीके से हम गुड़ को सिम में ही पकाएंगे। तक हमारा गुड़ का चाशनी बन रहा है। हम इस तरीके से बड़े इलायची को छील लेंगे और इसको अच्छे से कूट लेंगे। कूट के इसका पाउडर बना लेंगे। बड़े इलायची को छील लेंगे। देखिए हमारा गुड़ का पानी भी अच्छे से उबल चुका है। तो ये देखिए इसे थोड़ा छान लेंगे, इसमें कुछ कचरा रहे तो निकल जाएगा। पूरा पानी को छान लेंगे इस तरीके से और वापस से फिर कढ़ाई में डाल लेंगे और इसे अच्छे से चाशनी बना लेंगे। हमारा गुड़ का चाशनी कम से कम 1-2-3 मिनट तक अच्छे से पक जाना चाहिए। तो देखिए 2-3 मिनट तक हमारा गुड़ का चाशनी अच्छे से पक चुका है। हमने नींबू भी डाल दिया है। अभी ड्राई जिंजर पाउडर डालेंगे 1 स्पून। इसमें मसाले पूरे डाल देंगे इस तरीके से। ड्राई जिंजर पाउडर से बहुत ही टेस्ट आता। ये कूटा हुआ इलायची डाल देंगे बड़ा वाला। काला नमक डाल देंगे 1 स्पून। गरम मसाला डाल देंगे 1/2 स्पून। लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे 1/2 स्पून। नमक डाल देंगे 1/2 स्पून। इन सारे मसालों को अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे इसे। देखिए तो मैंने धीमी आंच में इसे अच्छे से पका लिया है। कम से कम 8 मिनट तक पकाया है मैंने इसे। ये देखिए धीमी आंच में पक पक के बहुत गाढ़ा भी हो चुका है हमारा चाशनी। ये देखिए इसका तार बनने का ज़रूरत नहीं, चिपचिपा होने पे इसका पूरा बन जाता है हमारा। तो ये देखिए पूरा बन के रेडी हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है हमारा नींबू का अचार। तो हम सॉफ्ट कर लेंगे इस तरीके से। देखने में भी कितना अच्छा दिख रहा है, ये कितना अच्छा बना है।